हेलो स्टूडेंट्स आर यू ऑल आई एम श्योर यू ऑल आर डूइंग रियली गुड चिल्ड्रन इन जी के आर टूडेज टॉपिक इज मिसिंग नंबर्स सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर फाइंड द मिसिंग नंबर्स बाय स्टडिंग द को रिलेशन इन रियल एग्जाम्पल्स बच्चे यहाँ पे आपको जो मिसिंग नंबर है उससे फाइंड आउट करना है ठीक है यहाँ पे आपको कुछ फिगर्स दी गई हैं उसके अंदर कुछ नंबर्स दिए गए हैं उनको आपको स्टडी करना है और फिर आपको जो थर्ड फिगर है उसके अंदर का नंबर जो क्वेश्चन मार्ग है उसे हटा कर वहाँ पर नंबर लिखना है तो बच्चों यहाँ पे आपको ट्राइंगल तीन ट्राएंगल दिए गए हैं उन तीन ट्राइंगल में आपको नंबर्स दिए गए हैं पहले ट्राएंगल में आपको तीन नंबर दिए गए हैं एट सेवन फाइव दूसरे ट्राएंगल में सिक्स सिक्स फोर तीसरे ट्राएंगल में आपको सिर्फ दो ही नंबर दिए हैं तीसरा नंबर हमें फाइंड आउट करना है तो अगर हम इनको स्टडी करें तो आप देख पा रहे हो एट को सेवन से क्या किया है प्लस किया है ठीक है फिर आंसर क्या आया फिफ्टीन फिफ्टीन को डिवाइड किया थ्री से तो उसका आंसर आया फाइव तो यहाँ पे फाइव लिखा है इसी तरह से सिक्स प्लस सिक्स कितना होता है ट्वेल्व ट्वेल्व को डिवाइड किया थ्री से तो उसका आंसर आया फोर तो इसी तरह से यहाँ पे हम क्या करेंगे टेन को एट से प्लस करेंगे आंसर आ जाएगा कितना एटीन एटीन को जब हम थ्री से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा सिक्स क्योंकि सिक्स थ्री जा क्या होता है एटीन होता है तो आप यहाँ पे एटीन लिखेंगे सेकेंड में आपको फिगर्स नज़र आ रही हैं ठीक है इसमें आपको नंबर्स दिए गए हैं फोर सिक्सटीन फाइव ट्वेंटी फाइव सेवन फोटी नाइन एंड नाइन के नीचे हमें नंबर को फाइंड आउट करना है उसे ढूंढना है अब ये तो बहुत ही सिंपल हमें नज़र आ रहा है क्योंकि फोर फोर जा क्या होता है सिक्सटीन होता है फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव होता है सेवन सेवन जा फोर्टी नाइन होता है तो इसी तरह से नाइन नाइन जहाँ क्या हो जाएगा एटी वन हो जाएगा तो आप यहाँ पे एटी वन लिखेंगे नाउ थर्ड थर्ड में आप देख पा रहे हो आपको दो स्क्वायर्स दिए गए हैं ठीक है अब पहले स्क्वायर के नंबर हम देख लेते हैं वन थ्री थ्री नाइन ट्वेंटी सेवन टू फोर थ्री सेकेंड में वन टू टू फोर एट और क्वेश्चन मार्क है इस क्वेश्चन मार्क को ही हमें हटाना है और इसके अंदर हमें क्या लिखना है नंबर लिखना है अब फर्स्ट फिगर में आप देख पा रहे हो वन को इंटू किया थ्री से तो आंसर आया थ्री ठीक है इसी तरह से नाइन को इंटू किया ट्वेंटी सेवन से तो आंसर आया टू फोर थ्री तो इसी में ही हमें इसको भी ऐसे ही पैटर्न हमें क्या करना है फॉलो करना है One को इंटू किया टू से तो आंसर आया टू क्योंकि two two ही होता है इसी तरह से four को हम एट से इंटू करेंगे तो आंसर आ जाएगा थर्टी टू ठीक है तो इसका करेक्ट आंसर है थर्टी टू नाउ फोर्थ फोर्थ में आप देख पा रहे हो आपको तीन फिगर दी गई हैं ठीक है थीके? तीनों में आपको नंबर दिए गए हैं फोर सिक्स ट्वेंटी एटी सिक्स फोर्टी और यहाँ पे है थर्टी टू क्वेश्चन मार्क एट तो हमें जो थर्ड फिंगर में क्वेश्चन मार्क है उसे क्या करना है हटाना है ठीक है तो आपको क्या करना है दोनों जो टॉप के नंबर्स हैं उन्हें डिवाइड करना है फ्रॉम द नंबर ऑन द लोअर लेफ्ट ठीक है फिर उसको क्या करना है आपको उसको ट्रिपल कर देना है जो आपका रिमाइंडर आएगा उसको आपको ट्रिपल कर देना है ठीक है जैसे कि यहाँ पे लास्ट में क्या दिया गया है आपका थर्टी टू तो थर्टी टू को आपको डिवाइड करना है एट से और फिर आपका जो आंसर है फोर आएगा उसको आपको थ्री से क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर देना है तो आपका आंसर आ जाएगा ट्वेल्व फिफ्थ यहाँ पे भी आपको फोर फिगर्स दिए गए हैं उसके अंदर आपको नंबर्स दिए गए हैं सबसे पहले हम नंबर देख लेते हैं ट्वेल्व सिक्स टू फिफ्टीन सिक्स थ्री ट्वेंटी वन सिक्स फाइव एंड एटीन नाइन क्वेश्चन मार्क ठीक है अब यहाँ पे आपको क्या करना है इनको आइडेंटिफाई करना है और आपको यहाँ पे जो आपका मिडिल नंबर है उसको आपको सब्ट्रैप्ट करना है अपर नंबर से ठीक है फिर जो आपका रिमेंडर आएगा उसको आपको डिवाइड कर देना है थ्री से जैसे कि यहाँ पे मिडिल नंबर आपका क्या दिया गया है सिक्स दिया गया है ना ठीक है अब इसको आपको सब्ट्रैप्ट कर देना है किससे ट्वेल्व से तो सिक्स मतलब ट्वेल्व में से सिक्स गए कितना हो गया आपका सिक्स हो गया सिक्स को आप डिवाइड करेंगे थ्री से तो आपका आंसर आ गया टू ठीक है इसी तरह से बाकी के आपके सम्स भी किए गए हैं तो बच्चों यहाँ पे हमें फोर फिगर्स दी गई हैं ठीक है थीके? अब फोर फिगर्स में हम समझ लेते हैं कि इसे कैसे इन्होंने सॉल्व किया है तो हमें क्या करना है हमें जो मिडल नंबर दिया गया है ना उसे हमें अपर नंबर से माइनस कर देना है तो यहाँ पे आप फर्स्ट फिगर में देख पा रहे हो ट्वेल्थ से हमने माइनस किया सिक्स को तो आंसर क्या आया सिक्स आया ठीक है फिर हमें जो आंसर आया है उसे हमें थ्री से डिवाइड कर देना है तो सिक्स जो आंसर आया उसे हम अगर थ्री से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा टू आएगा तो यहाँ पे इन्होंने टू ऑलरेडी लिखा हुआ है इसी तरह से इन्होंने बाकी सम भी किए हुए हैं और जो लास्ट सम है वो इन्होंने हमारे लिए छोड़ा हुआ है वो हम इसे कंप्लीट करेंगे ठीक है तो हम क्या करेंगे एटीन को एटीन से नाइन को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा नाइन नाइन को जब हम थ्री से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा थ्री ठीक है तो हम यहाँ पे थ्री लिखेंगे नाउ सिक्स सिक्स हम देख लेते हैं यहाँ पे हमें थ्री सर्कल्स दिए गए हैं ओवल्स दिए गए हैं ठीक है इनके अंदर हमें फोर नंबर्स लिखे हुए दिए गए हैं थ्री सिक्स ट्वेल्व ट्वेंटी फोर फोर एट सिक्सटीन थर्टी टू फाइव टेन ट्वेंटी अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है ये हमें रिप्लेस करना है और उसकी जगह पर नंबर लिखना है तो यहाँ पर आप नंबर देख पा रहे हो थ्री टू जा क्या होता है सिक्स थ्री फोर जा क्या होता है 12 होता है और 3 8 जा क्या होता है 24 होता है ठीक है इसी तरह से यहाँ पे 4 का टेबल है फोर टू जाट होता है और फोर फोर जहा सिक्सटीन होता है और फोर एट जहा कितना होता है थर्टी टू होता है तो ऐसे ही यहाँ पे आपको नंबर दिया गया है फाइव में फ़ाइव टू जहा टेन होता है फाइव फोर जा ट्वेंटी होता है और फाइव एट जहा कितना होता है फोर्टी होता है तो हम यहाँ पे फोर्टी लिखेंगे सेवन्थ यहाँ पे आपको स्क्वायर दिया गया है बच्चों स्क्वायर के ऊपर नीचे और साइड में आपको नंबर दिए गए हैं प्लस उसके मिडल में भी आपको नंबर दिया गया है तो हम नंबर पढ़ लेते हैं पहले ट्वेंटी एट फोर एंड मिडल में टेन 12 6 5 मिडिल में दोबारा से 10 देन टेन ट्वेल्व सिक्स अब मिडल में कोई नंबर नहीं दिया गया है ये हमें फाइंड आउट करना है ठीक है तो बच्चों यहाँ पे हम इस पैटर्न को फॉलो करते हैं ट्वेंटी को क्या किया गया है सबसे पहले फोर से मल्टीप्लाई किया है तो आंसर क्या है एटी आया ठीक है थीके? फिर एटी को डिवाइड किया एट से तो उसका आंसर आ गया है टेन जो कि बीच में लिखा गया है ठीक है इसी तरह से बाकी नंबर इन्होंने किए गए हम लास्ट वाला देख लेते हैं हमें क्या करना है टेन को सिक्स से मल्टीप्लाई करना है ठीक है तो आंसर आ जाएगा सिक्सटी अब सिक्सटी को हम ट्वेल्व से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा फ़ाइव क्योंकि ट्वेल्व फाइव जहाँ होता है सिक्सटी तो हम मिडल में लिखेंगे फाइव तो इस तरह से आपका ये जो पैटर्न है ये कंप्लीट हो जाएगा और ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा तो बच्चों आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा अब आपका इसका रिविजन और इसकी प्रैक्टिस खुद से करनी है